हेलो गाइस, मेरा नाम सहज, आप देख रहे हैं टेक न्यूज़ यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे एसो बिल्डर 500 के बारे में कि आपको वो लैपटॉप लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर करना, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले आपको मिल जाती है 144 हर्ट्ज की, 17 इंच की डिस्प्ले मिलती है फुल एचडी वाली आईपीएस पैनल के साथ। तो डिस्प्ले यार इसकी बहुत ही अच्छी होने वाली है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के मामले में बहुत ही अच्छा लैपटॉप है ये। तो आगे बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन और वेट के बारे में। तो उसकी बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है, और डिज़ाइन की बात करें तो सेम बिल्कुल प्रेडेटर हेलियोस 300 जैसा ही है। अगर आपने वो लैपटॉप नहीं देखा तो आप मेरे अनबॉक्सिंग वीडियो जाके देख सकते हैं। उससे थोड़ा ये बड़ा लैपटॉप है और थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये लैपटॉप से भी ज़्यादा थोड़ा मोटा है। और वेट की बात करें तो यार इसका लैपटॉप का है 4 kg वेट है, तो वेट तो यार बहुत ज़्यादा है इस लैपटॉप का। बाकी डिज़ाइन वगैरह तो ओके है। आगे बात करते हैं स्पीकर्स एंड माइक के। तो ड्यूल स्पीकर मिल जाते हैं विद ट्रू हारमन सपोर्ट के साथ, जो एसर का ये एक टेक्नोलॉजी है ट्रू हारमन की, तो उसके साथ मिल जाते हैं। और सर इसके अंदर एक सब बूफर भी मिल जाता है, जिसके कारण थोड़ी बहुत बेस भी आपको साउंड में मिल जाएगी। अगर माइक की बात करें तो इसके अंदर आपको ड्यूल माइक मिल जाते हैं, और स्पीकर भी इसके लाउड हैं। आगे बात करते हैं इसके टच पैड और इसके कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड इसका फुल साइज वाला है, और आपको जो W वगैरह जो गेमिंग कीज होती हैं, जो एरो की कीज होती हैं, वो आपको हाईलाइटेड मिल जाती हैं। जैसे बाकी कीज आपको नॉर्मली सब ब्लैक कलर्स में मिल जाती हैं, वो वाली कीज आपको ब्लैक कलर और साइड में ट्रांसपेरेंट मिल जाते हैं, जिस कारण इसकी जो ब्लैक लाइट है वो है ब्लू कलर की। तो ब्लू कलर की लाइट जो गेमिंग कीज दी गई हैं, जो हाईलाइट करके दी गई हैं, वो तो अच्छी तरह ग्लो करती हैं, लेकिन जो बाकी कीज हैं वो खाली प्लास्टिक की हैं और पूरी ब्लैक कलर की हैं, तो वो ज़्यादा इतनी ग्लो नहीं करती। तो यार जैसे MSI के लैपटॉप वगैरह होते हैं, इसमें भी जैसे देखा होगा आपने कि इसकी ब्लैक लाइट जो होती है इतनी अच्छी ग्लो करती है, लेकिन इसकी इतनी ग्लो नहीं करती जैसे प्रेडेटर में होता है। जो हाईलाइटेड कीज है वही इतनी अच्छी तरह ग्लो करेंगी, मतलब ब्लैक लाइट के मामले में थोड़ा ये एवरेज है। बाकी कीबोर्ड वगैरह तो अच्छा है। इसके अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा कीज भी दी गई हैं ऊपर की साइड में, बाकी आप फोटो दे सकते हो आप। तो आगे बात करते हैं टच पैड की। तो टच पैड भी इसका अच्छा है, और उसके टच पैड पे साइडों पे भी हमें लाइट मिल जाती है ब्लू कलर की, तो ये भी अच्छी बात है। तो आगे बात करते हैं बैटरी की। तो उसमें आपको मिल जाती है 4 साल की बैटरी 74 वॉट की। तो फ्लिपकार्ट पे लिखा हो गया है कि इसमें 3 घंटे का बैटरी पर मिलेगा, तो ऐसे आपसे तो यार फिर मैं आपको ये कह सकता हूँ उसमें 2 से 3 घंटे आपको नॉर्मल यूज़ पे बैटरी का मिल जाएगा, और जो हैवी यूज़ पे आपको 1 घंटे तक बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो आगे बात करते हैं पोर्ट्स की। तो उसमें आपको मिल जाता है LAN केबल का पोर्ट, HDMI का, और 3.0 के USB पोर्ट भी मिल जाते हैं, और आपको 2 C-type पोर्ट मिल जाते हैं, वो भी थंडर बोर्ड वाले। तो ये अच्छी इसकी प्लस पॉइंट है लैपटॉप का, 2 पोर्ट्स मिल जाते हैं वो भी थंडर बोर्ड वाले, और साथ में हेडफोन जैक और माइक के लिए भी अलग जैक दिया गया इसमें, तो ये अच्छी बात है। तो आगे बात करते हैं CPU की। जिसके अंदर मिल जाता है आपको i7-8750U, अगर i9 मिल जाता है यार इस बजट में तो और अच्छी बात होती। तो बेस लॉक इसकी है जो है 2.2 GHz पे, और जो टर्बो क्लॉक है वो है 4.1 GHz तक। आगे बात करते हैं इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो उसके अंदर आपको मिल जाता है GTX 1070 8 GB VRAM के साथ, GDDR5 वाला। तो मैं आपको कुछ गेम के FPS बता देता हूँ अल्ट्रा और हाई सेटिंग्स में। तो Fortnite में आपको मिल जाएंगे 101 FPS अल्ट्रा सेटिंग में, PUBG में मिल जाएंगे 83 FPS अल्ट्रा सेटिंग में, और CSGO में आपको मिल जाएंगे 287 FPS हाई सेटिंग पे, Far Cry 5 में मिल जाएंगे आपको 88 FPS अल्ट्रा सेटिंग पे, Battlefield 5 पे मिल जाएंगे आपको 123 FPS अल्ट्रा सेटिंग पे, और Rise of Tomb Raider पे आपको मिल जाएंगे वेरी हाई सेटिंग पे मिल जाएंगे 107 FPS। Watch Dogs 2 की बात करें तो 69 FPS मिल जाएंगे अल्ट्रा सेटिंग पे। मतलब ये सभी के सभी गेम्स रन कर सकता है, जो फ्यूचर में भी आने वाली गेम्स है सभी की सभी गेम्स आपको ये रन करा देगा हाई से अल्ट्रा सेटिंग में। तो आगे बात करते हैं अपग्रेड पॉसिबल है या नहीं। तो इसके अंदर आपको 16 GB रैम मिल जाती है, जो कि है 16 GB ऑन बोर्ड रैम है। तो इसके अंदर आपको 2 स्लॉट्स मिल जाते हैं जिसमें आप 16 GB और ऐड कर सकती हैं, मतलब आप 64 GB तक इसे अपग्रेड कर सकती हैं। 16 GB तो आपको ऑन बोर्ड ही रैम मिल जाएगी, मतलब मदरबोर्ड के अंदर ही, और 2 स्लॉट्स जो होंगे वो खाली मिल जाएंगे जिसमें आप 16 16 की और लगा सकते हैं, जिस कारण आप इसे 64 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसमें आपको M.2 के भी 2 स्लॉट्स मिल जाते हैं, एक तो आपको प्री इंस्टॉल SSD मिल जाती है 256 GB की, तो 1 स्लॉट और खाली मिल जाता है आपको, तो मतलब उसके अंदर 2 स्लॉट टोटल है, तो एक्स्ट्रा आप लगा सकते हैं। तो आगे बात करते हैं इसके कूलिंग सिस्टम की। तो उसमें ये गलती नहीं की कि जैसे इसका प्रेडेटर 300 में की थी कि एक ही साइड पे फैन लगा दिए, तो उसके अंदर ये अच्छा किया गया कि
अलग अलग साइड पे फैन लगाए गए हैं जिसका कारण इसका कूलिंग सिस्टम अच्छा है। तो मैं आपको मैक्स टेम्परेचर बताता हूँ, जो ऑटो मोड पे रहता है वो मैक्स जाता है 90 डिग्री तक। तो जो मैक्स टेम्परेचर जाता है जब फैन को हम कर देते हैं मैक्स मोड पे, तो वो जाता है 71 डिग्री मैक्स। तो इसका जो फैन का मैक्स मोड है ये बहुत ही अच्छा है, 71 डिग्री से खाली टेम्परेचर जाता है, इसके ऊपर नहीं जाता अगर आप फैन को मैक्स मोड पे लगा देंगे। अगर ऑटो पे चलाएंगे तब भी 90 डिग्री तक जाएगा, 90 के ऊपर नहीं जाएगा मैक्स। तो कूलिंग सिस्टम के मामले में लैपटॉप बहुत अच्छा है। तो आगे बात करते हैं वारंटी की। तो आपको इसमें 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है ऑन साइट और सर्विस सेंटर जाके भी, और प्लस इंटरनेशनल वारंटी भी मिल जाती है जैसे कि एसर के यहाँ लैपटॉप में मिलती है आजकल के। तो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। तो इसकी लैपटॉप की करंट प्राइस है 1,60,000 रुपये। तो सेल के टाइम पे इसकी प्राइस जो मैंने बाय हेड के एक्सटेंशन पे देखी है कि इसकी जो मैक्स डाउन हुई है प्राइस, वो आई है 1,50,000 तक। तो अगर आपको 1,50,000 तक सेल के अंदर मिलता है तो आप ये लैपटॉप को ले सकते हैं अगर आपका इतना बजट है तो, क्योंकि इसका लैपटॉप का कूलिंग सिस्टम भी अच्छा है, आपको कूलिंग सिस्टम पे भी नहीं नाराज नहीं करेगा लैपटॉप। इसकी डिस्प्ले भी इतनी अच्छी है, 144 की हर्ट्स की डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले में भी आपको नाराज नहीं करेगा। तो नाराज करेगा तो आपको बस का वेट हैवी है वो नाराज करेगा, या इसका जो प्रोसेसर है वो i7 है, i9 नहीं दिया गया, तो आपको ये दो स्टेप नाराज करेंगे। तो आपको यही दो पॉइंट्स नाराज करेंगे, इसका वेट ज़्यादा है, उसमें आपको i9 नहीं मिलता। बाकी लैपटॉप आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी यह लैपटॉप है। तो वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।